नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। लखनऊ में दो घंटे की हुई लगातार बारिश से शहर में चारों तरफ पानी पानी नजर आने लगा। जॉपलिंग रोड CMS ब्रांच में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे अभिभावक और छात्र पानी में तैरते हुए नजर आए। लखनऊ में तेज बारिश के चलते सड़कों पर हर तरफ पानी पानी भर गया। हजरतगंज चौराहे पर गाड़ियों के टायर डूब गए। सुल्तानपुर के बल्दीरा ब्लॉक परिसर में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने 7 दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल प्रदान की। सुल्तानपुर में राजकीय वाहन चालक संघ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। सईद अख्तर को संरक्षक और अब्दुल रशीद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम के बगल हद से ज्यादा प्रदूषण करने वाला जगनेटर हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना को अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने अपर जिला प्रशासन गौरव शुक्ला को तत्काल जांच करके जनरेटर हटाने का निर्देश दिया। अमेठी के निषाद राज अखंडानंद PG कॉलेज किटियावा में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रबंधक शिव प्रसाद कश्यप की देखरेख में MA पास 53 छात्राओं को टैबलेट वितरण किए गए। अमेठी के मुसाफिरखाना तहसील का प्रांगण झील में बदल गया। फरियादियों और अधिवक्ताओं को आने जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अमेठी में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के अंतर्गत विकासखंड तिलोई में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार उर्फ मुन्ना सिंह ने किसानों को निःशुल्क प्याज के बीज बांटे। अमेठी जिलाधिकारी निशानंद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए जनता की समस्याओं को सुना। उनका समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। अमेठी के सगरा बाबूगंज आश्रम के परमहंस पीठाधीश्वर मौनी महाराज स्वामी ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने पर UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए ऐतिहासिक कदम बताया। अमेठी विकासखंड के गड़री गांव के कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 8 तक छात्र छात्राओं और अभिभावकों के लिए स्कूल परिसर में न तो हैंडपंप है और न शौचालय की व्यवस्था है। आपको बता दें कि सभी को शौच और पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है। अमेठी के वारिसगंज चौराहे से बाबा बैजनाथ धाम के लिए कांवड़ियों की टोली रवाना हुई। कांवड़ियों को पूर्व जिला पंचायत मोहम्मद सुल्तान ने ड्राई फ्रूट के पैकेट देकर बोल बम का नारा लगाते हुए निहालगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया। जालौन के उरई में मौजूद इंदिरा गांधी स्टेडियम में पुलिस अंतर जनपदीय फुटबॉल प्रतियोगिता महिला पुरुष का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र ने किया। हमीरपुर के मौदाहा थाना क्षेत्र के मकरावा गांव में बिना नाली के ही RCC सड़क बना दी गई, जिससे बरसात का पानी ग्रामीणों के घरों में घुस रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीण लगातार कर रहे हैं, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अयोध्या में इस बार भव्य रामलीला का 6वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। रामलीला के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। अयोध्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर अनुराग ठाकुर का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिसको पुलिस ने विफल कर दिया। आपको बता दें कि लोकसभा में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा है। जौनपुर के विकासखंड केराकत के भीतरी गांव में शिक्षकों के सहयोग से कंपोजिट विद्यालय भीतरी का आदर्श ऑफिस का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन प्रधान संघ के अध्यक्ष VP राय ने फीता काट कर किया। जौनपुर जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही ने तहसील साहिगंज के लतीफपुर गांव की सरकारी कोटे की दुकान का औचक निरीक्षण किया। स्टॉक और रजिस्टर का मिलान करने पर भारी मात्रा में खाद्यान्न में गड़बड़ी पाई गई। DM के निर्देश पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई, जिससे इलाके के कोटेदारों में हड़कंप मच गया है। रामपुर में 2016 के डूंगरपुर बस्ती कांड में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के साथ 6 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है। रामपुर अपर पुलिस अधीक्षक ने थाना पटवाई के महत्वपूर्ण भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त किया, जिससे अपराधियों के दिलों में खौफ और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाई जा सके और जनता के मन में सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। रामपुर के दयावती मोदी एकेडमी में पुलिस पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने विद्यार्थियों को साइबर फ्रॉड और भारतीय न्याय संहिता समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने पुलिस कार्यालय पर जन सुनवाई करते हुए जनता की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए मातहत अधिकारियों को निर्देशित किया।
लखीमपुर खीरी में अवैध डग्गामारी के खिलाफ जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमीत सिंह उर्फ मोनू राणा ने डीएम एसपी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जिले में चल रहे अवैध ई रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।